हेलो एवरीवन, और हम आ गए हैं पेलिंग और आज हम जा रहे हैं स्काई वॉक करने। और अभी हम गाड़ी से उतर चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तभी स्काई वॉक करेंगे और वहां का सीन भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम नेचर के बहुत करीब आ चुके हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया है यहाँ पर आकर। और ये पेलिंग में सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और जब भी आप पेलिंग आएंगे तो आप ये स्काई वॉक जरूर करेंगे, क्योंकि बाद हम जाएंगे सीढ़ियों पर चढ़ के बुद्धा के पास। तक आप इधर नहीं आते हैं तब तक आप मेरा ब्लॉग देखिए और मेरे साथ घूमिए पेलिंग। और हम जा रहे हैं अब, और टिकट है इसके लिए एंट्री, तो एंट्री टिकट लेंगे, उसके बाद हम स्काई वॉक करेंगे। और यहाँ हमने शू उतार दिए हैं, क्योंकि स्काई वॉक के लिए भी हमें शू उतार के जाना है, क्योंकि बुद्धा टेम्पल जाना है, इसलिए अभी हमने शू उतार दिए हैं यहीं पे। और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, और बहुत लंबा रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है इससे चल के, एक नई चीज है थोड़ी सी। ये नीचे का भी दिख रहा है इसमें, और नीचे का भी दिखाई दे रहा है सब कुछ। और देखिए कितनी भीड़ है, अब हम जा रहे हैं बुद्धा की मूर्ति के पास। बहुत सारी सीढ़ियां हैं, लेकिन हम पूरी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से देखते हैं और वापस हो जाते हैं, जो चढ़ नहीं पाते, लेकिन हम तो ऊपर तक जाएंगे और ऊपर भी एंजॉय करेंगे। ये देखिए इतनी सारी सीढ़ियां हैं, और अभी इतनी हम ऊपर आ चुके हैं। वहां पहुंचना है हमको। ये दोनों साइड धम्म चक्र लगे हुए हैं, और थोड़ा चलने में सांस फूल जाती है, लेकिन अभी हम सुबह सुबह आ गए हैं इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखते हैं थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के कैसा लग रहा है। और हम सारी सीढ़ियां पार करके आ चुके हैं यहाँ पर, थोड़ी सांस भी फूल रही है, उसके लिए हमें टॉफी ले ली। और देखिए बहुत ज़्यादा विशाल मूर्ति है बुद्धा की, अब थोड़ा अंदर जा रहे हैं इसके। और ये देखिए मन कितना खुश हो रहा है प्रकृति के पास आके, और मतलब क्या बताएं, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन है पूरा। और उधर तो हम जहाँ से आए हैं दिल्ली से, वहाँ पर तो बिल्कुल अभी एसी वगैरह चल रहे हैं, और यहाँ जस्ट अपोजिट यहाँ लोग स्वेटर वेटर पहने घूम रहे हैं। हमने तो इसलिए नहीं पहना कि हमें तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं आज मॉनेस्ट्री, हमारा ये आईडी चेक हो गई है, और इसके बाद हम जा रहे हैं शायद काफ़ी अभी ऊंचाई पे है, चलते हैं। और काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे, थोड़ा गला भी सूख रहा है। देखते हैं और कितनी दूर है अभी। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे धर्मचक्र सेंटर रोमेटिक्स मॉनेस्ट्री में। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, यहाँ से एंट्री हो गई है। ये यह हमने यहाँ से एंट्री ली है, और देखिए कितनी अच्छी मॉनेस्ट्री बनी हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे मॉन्क, ये देखिए छोटे छोटे रूम्स हैं, यहाँ मॉन्क रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, और उनकी क्लासेस वगैरह लगती हैं। टाइम तो हमें पता नहीं किस समय लगती है, जिन्हें रहने के लिए उनकी यहाँ व्यवस्था की हुई है। देखिए ऊपर भी बना है, जो मॉन्क हैं उनका स्टडी प्लेस है ये। और पूरा दिन घूमने के बाद हम आ गए हैं यहाँ का गैंगटॉक का लोकल मार्केट, एमजी मार्क के नाम से फेमस है, यहाँ के मार्केट का नाम है एमजी मार्क। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ का लोकल।
2017 ये देखिए यहाँ का लोकल मार्केट है, लेकिन बिल्कुल लोकल मार्केट नहीं लग रहा है। मार्केट के बीच में महात्मा गांधी पार्क है और यहाँ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। इतना ऑर्गेनाइज है, मतलब लग नहीं रहा है मार्केट में घूम रहे हैं। आप सड़क वगैरह देखो, सब कुछ कितनी अच्छी है, कोई हौच पौच नहीं है। और ये देखिए, मतलब मैं तो मार्केट ही देख के हैरान हूँ कि मैंने कभी ऐसा मार्केट कहीं नहीं देखा। इतना खुला खुला और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, सबसे बड़ी बात। और साइडों में फ्लावरिंग भी कर रखी है। और आपने कहीं मार्केट भी इतना डेकोरेट देखा है? देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, मार्केट को भी इतना अच्छा डेकोरेट किया है। G20 का मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में आपको दिखाया था, G20 का जो फूड फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, वो उन्होंने कितने अच्छे से सजाया हुआ है। ये तो एक फोटोग्राफी का जगह बना दी है इन्होंने, और एक फोटो मैं भी करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने, और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। वाओ कितने सुंदर फूल लगाए हुए हैं, कितना मतलब मेंटेन किया हुआ है, मैं तो हैरान हूँ देख के। शॉपिंग करते करते थक जाओ तो बेंच लगाई हुई है, आराम से आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। आए इनके जो जितने अचार हैं ड्राई हैं, ये जिंजर का है और टेस्ट भी कराया इन्होंने, और कुंदरू, और क्या बताया, ये सोयाबीन का है। तो ये तो मुझे पहला लग रहा है यहाँ पर ड्राई पिकल तो मैंने कहीं नहीं खाए, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ कि ये देखिए सोया चंक्स का ड्राई पिकल है ना, अलग थोड़ा सा और ये मैम बता रही हैं कि इनका अपना ब्रांड है और नाम भी बहुत अच्छा लगा मुझे तो, क्या हंसदई खाऊं, हंसते हंसते खाना, हंसते 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 खाना। मेरा पास मेरा 32 प्रोडक्ट्स राइट नाउ एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस कंपनी फ्रॉम जनवरी 2023 दिस ईयर ओनली। दिस आई हैव गॉट ड्राइड ड्राइड पिकल्स, कोई हौच पौच नहीं है। और आप मार्केट शॉपिंग करते करते थक जाओ तो बेंच लगाई हुई है, आराम से आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। ये देखिए स्टेट का एनिमल है, इसलिए यहाँ पर इसकी वो लगाई गई है ताकि लोगों को पता रहे। ये एक चीज़ और यहाँ पे भी बहुत अच्छी लग रही है कि हम मार्केट के बीच में भी प्लांट्स लगाए हुए हैं हरियाली की वजह से। और ये देखिए इतने बड़े बड़े गमले हैं, इनमें
पेड़ लगाए हुए हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। और ये है रेड पांडा, उधर बैठा हुआ था और इधर लेटे हुए हैं। ये स्टेट का फेमस एनिमल है। ये देखिए मार्केट का सेंटर है और यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत पांडा लगाए हुए हैं और गैंगटॉक कितने अच्छे अक्षरों में लिखा गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मार्केट की शान है।